सीरियल अनुपमा में पूरी कहानी ही पलटने वाली है जल्द। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में वनराज को तो अनुपमा ने ऑफर दे दिया है कि वो कैफे खोल सकता है उसकी एकेडमी में, लेकिन दूसरी तरफ काव्या का बुरा हाल हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होंगे, जहाँ पर समर इस बात के अगेंस्ट होगा कि वो वनराज शाह को कैसे कैफे में अलाउ कर सकती, जबकि उसने तो उसके घुंघरू भी तोड़े थे और कि उसका दिल भी तोड़ा था। लेकिन अनुपमा इस बात से वनराज समर को मनाते नजर आएगी, तो दूसरी तरफ अब काव्या दर बदर भटकते नजर आएगी जॉब के लिए, और उसे कोई भी जॉब देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसकी गलती ही प्रेजेंटेशन को लेकर हुई और मार्केट में उसकी इमेज खराब कर दी है ढोलकिया ने। तो काव्या बुरी तरह से अब टूट जाएगी और अब उसके तेवर बदलते नजर आएंगे। उसका ऐसा बुरा हाल हो जाएगा कि फैंस को भी काफी दया आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक हमदर्दी होने वाली है लोगों को, और अब काव्या का जो हाल होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो वहीं अनुपमा और वनराज अपनी अकेडमी में काफी खुश नजर आएंगे। वही वनराज तो कभी अनुपमा के साथ काम कर लेता है और कभी काव्या के साथ, लेकिन दोनों हर बार इन दोनों में से कोई पिस जाता है, और यही शो में देखने को मिलेगा कि वनराज अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा होगा और अपनी करियर को आगे बढ़ा रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ काव्या के पास ना जॉब होगी ना कुछ और होगा, और घर पर बैठे बैठे वो पूरी तरह से परेशान हो जाने वाली है, और जल्द ही वो अनुपमा के सामने अब हाथ जोड़ते नजर आएगी और उससे भी जॉब मांगेगी, और कहीं ना कहीं अनुपमा और वनराज ही उसकी मदद करने वाले हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अब काव्या का एक पॉजिटिव किरदार नजर आएगा जल्द हमें आने वाले एपिसोड में, जहाँ पर अनुपमा और वनराज दोनों ही मिलकर काव्या की मदद करेंगे। उसको अपने ही कैफे में रखकर वनराज उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। जिस कैफे को वो छोटा मोटा समझ रही थी, वो इसी कैफे में अब काव्या भी हाथ बटाएगी जब अनुपमा उसे एडवाइस देगी क्यों नहीं तू मिस्टर शाह के साथ ही काम करती हो अकेडमी में आकर। और अब काव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो सोचती है कि अब इतना भटक चुकी हूँ तो यही सही है कि अनुपमा की मजबूरी में ही सही बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना मैं हमेशा के लिए घर में बैठ के रह जाऊँगी। तो काव्या और अभी अकेडमी में कैफे में ज्वाइन करेंगी, और यहाँ पर वनराज और अनुपमा के अंडर में काम करते नजर आए कि काव्या जो हमेशा दोस्त दिखा देती थी अपनी बड़ी पोस्ट की और बड़ी जॉब की, तो काफ़ी बुरी तरह से बदल जाएगी ये कहानी। और वहीं होने वाली है एक धमाकेदार एंट्री अनुपमा की जिंदगी में, जो होगा अनुपमा का बचपन का दोस्त।